बस चुप रहती है मेरी ही तरह। रामीन अजर, आपने देखा क्यों किया तुमने मेरे साथ ये सब कुछ? तुम क्या बातें कर रही हो? ये देखो टेक्स्ट किया तुमने मुझे। मैंने कोई मैसेज नहीं किया, लेकिन फोन तो घर पे रखा हुआ था। रामीन मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि तुम अब तक अपनी बात में क्यों अड़ी हुई। इन्होंने मेरे साथ ज्यादती की है, रेप किया है मुझे। इसने जो मुझ पर इल्जाम लगाया मैंने इसे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन मुझे आपसे ये शिकायत है कि अगर इसे कोई जहनी बीमारी थी तो आपने हमें बताया क्यों नहीं? रामीन को कोई जहनी बीमारी नहीं है, रामीन जहनी मर्ज की शिकार है। वो भी बस चुप रहती है मेरी ही तरह। अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैंने झूठ बोला, मुझे माफ कर दे मेरे मालिक। मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था, मुझे माफ कर दे। मैं माफ करूंगी तो अल्लाह माफ करेगा ना? रामीन मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी, आपने जो किया वो तो कोई दुश्मन भी नहीं करता। तुम क्या बोल रही हो? मैंने बिल्कुल ठीक किया, तुम्हें अंदाजा नहीं है इस बात का। मुझे अंदाजा नहीं है, मैंने सफर किया, एक एक पल उन लम्हों को गुजारते हो, जो हुआ तो एक बार लेकिन मेरे दिमाग में बार बार घूमते हैं, उसकी नजरें उसके हाथ बार बार महसूस करती हूँ। और आप कह रही कि मुझे अंदाजा नहीं है? आपको लगता है कि मैं पागल हूँ, मैं झूठी हूँ? मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था बेटा। रास्ता अल्लाह निकालता है, आप और मैं नहीं। लेकिन आपने तो मुझे बिल्कुल पागल करार दे दिया। इतना भरोसा किया था मैंने आप पर, सबको कहती थी कि अम्मी आएंगी तो सबको यकीन आ जाएगा कि मैं सच बोल रही हूँ। आपने मुझे पागल बना दिया, आपने मुझे धोखा दिया अम्मी। मैंने धोखा नहीं दिया बेटा, मेरे छोटे से झूठ से सब कुछ ठीक हो गया ना। तुम्हारे मियाँ ने तुम्हें दोबारा कबूल कर लिया, और नुमैर और मनाल के बीच की गलतफहमी भी तो दूर हो गई। गलतफहमी? वो गलतफहमी थी? अरे बेटा ऐसे सच का क्या फायदा जिससे घर टूटे, और यहाँ तो मेरी दो बच्चियों के घर बर्बाद हो रहे थे। तो आप चाहती हैं कि आपकी दोनों बेटियों का घर झूठ की बुनियाद पर कायम रहे? हाँ, जैसे भी रहे मैं चाहती हूँ दोनों के घर कायम रहे, तुम खुश रहो बेटा। लेकिन मैं खुश नहीं हूँ अम्मी, और ना ही आप ही ज्यादा अच्छे तक खुश रहेंगी। आपको क्या लगता है कि ये बात सारी जिंदगी छुपी रहेगी? अल्लाह कभी इंसाफ नहीं करेगा? नहीं, अल्लाह इंसाफ करता है, अल्लाह से बड़ा और कोई मुनसिफ नहीं है। कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई तरीका ऐसा जरूर होगा जिससे सबको यकीन आ जाए कि मैं पागल नहीं हूँ। चोर कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ता है अम्मी, और उसने जो सबूत छोड़ा है मुझे पता है। छोड़े मेरा हाथ। बात तो सुनो रामीन, पागल हो गई हो तुम? यहाँ बैठो रामीन, यहाँ बैठो, मेरी बात तो सुनो बेटा, मेरी बात तो सुनो। अगर मैं कोई ऐसी बात जानती हूँ जो सिर्फ उसे पता हो जो नुमैर के करीब हो तो? रामीन हाँ, मैं एक ऐसी बात जानती हूँ, मैं जाके सबको जाके बता रही हूँ। अरे रुक जा, रुक जा। अरे बेटा रामीन मेरी बात सुन लो, बेटा मेरी बात तो सुनो रामीन। मुझे आप के पास जाना है। अरे पागल तो नहीं हो गई तुम? कमरे में चलो। आज़र, आज़र। मैं पागल नहीं हूँ, खबरदार जो आपने मुझे पागल कहा। आपने भी मुझे धोखा दिया है, उसने मेरे साथ ज्यादती की है अम्मी, मुझे यही मैं पकड़ा था, मेरे हाथों पर उसके निशान है। आप मुझे क्यों किसी को कुछ नहीं बताने दे रही? मैं आप ही को सब कुछ बताऊंगी, छोड़े मुझे। आप सुनो मेरी बात तो सुनो तुम। क्या हुआ अम्मी, क्या हुआ ऐसे? अभी कुछ नहीं हुआ, इसे फिर से दौरा पड़ गया। आज़र कहाँ है? कोई दौरा नहीं पड़ा मुझे। आपी आपको सबूत चाहिए था ना, मैं आपको सबूत देती हूँ, मेरी बात सुने। चुप कर जाओ तुम, चुप कर जाओ, खामोश हो जाओ, उन्हें एक हाथ मार दूंगी मैं तुम्हें। मारे, जितना मारना चाहती है मारे, लेकिन मैं चुप नहीं करूंगी। अभी मैं आपको अगर नुमैर भाई की एक बात बताऊँ तो मेरी बात मानेंगी? बेशरम बेहया, चुप कर जाओ। छोड़ो रामी, छोड़ो अम्मी को, चोट लग जाएगी। सिर्फ मेरी एक बात सुन ले फिर मैं चली जाऊंगी, सिर्फ एक बात सुन ले मेरी। किसी वक्त मेरे साथ कमरे में चलो। क्या हो रहा है ये? क्या बोल रही है? देखो तो सही, पकड़ो इसे, पागल हो गई है, इसे कमरे में लेकर जाओ। छोड़ो मुझे, छोड़ो मेरा हाथ, नहीं तो मैं जान से मार दूंगी। छोड़ो। अच्छा छोड़ो, छोड़ो, चला जाऊंगा। तुम चुप रहोगी? नहीं नहीं चुप रहूंगी, बोलूंगी। क्यों चुप रहूं? तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, तुम्हें जान से मार दूंगी मैं, नहीं छोड़ूंगी मैं, जान से मार दूंगी मैं, तुम्हें जान से मार दूंगी, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, छोड़, नहीं छोड़ूंगी। लेके जाएं से कमरे में। मैं इसे लेके जाती हूँ, तुम मनाल को देखो। लगता है इसका प्रॉपर इलाज कराना पड़ेगा। कैसे? चलो कमरे में चलो।
आंटी का? रामीन के पास। सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। आओ बैठो। 10 मिनट तुम यहाँ थे नहीं, तुम्हें पता पीछे तुम्हारे क्या हुआ? जी सुना मैंने। मैंने कहा भी था तुमसे उसका प्रॉपर इलाज कराओ, तुम्हें हर वक्त पैसे कमाने की फिक्र रहती है। जी इस बार कराऊंगा। पैसे तो नॉर्मली लगती थी मुझे, इसलिए मैंने कभी उसको सीरियसली नहीं लिया। कमाल करते यार, पहले भी बेहोश हो गई थी याद है तुम्हें, और इस बार तो मुझे उसने रेपिस्ट बना दिया, कुछ और ही बना देती यार। I'm so sorry नुमैर भाई। It's okay यार, सॉरी बॉरी छोड़ो, पिछले 2 घंटे से ये सुन रहा हूँ मैं, कभी बीवी से कभी सास से अब भाई से, जो हो गया सो हो गया, उसे भूल जाओ, ये सोचो आगे क्या करना है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। तुम्हें कभी कुछ समझ भी आता है? मेरे बगैर क्या करोगे तुम? मैं आप लोगों के बगैर कुछ नहीं कर सकता नुमैर भाई, मैं पहले ही आप लोगों के एहसानों के तले दबा। प्लीज यार, कोई एहसान वहसान की बात नहीं, अपनी बीवी का प्रॉपर इलाज कराओ, जितने पैसे चाहिए मुझसे ले लो। नुमैर भाई मैंने पहले ही आपसे इतना कर्जा लिया हुआ है। क्या हो गया यार? घर की बात, आहिस्ता आहिस्ता वापस लौटाते रहना, तो पहले जरूरी नहीं था लेकिन ये जरूरी है, मरीज को कभी लाइलाज नहीं छोड़ते। मैं तुम्हें 1-2 डॉक्टर्स के भी नंबर दूंगा, उनसे जाके मिल लो, जो ठीक लगे उसी से इलाज कराओ। थैंक यू। कम ऑन, वी आर फैमिली यार, इट्स ओके। प्लीज ये बात घर से बाहर किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। मनाल? ऑफ कोर्स। मुझे तो हैरानी इस बात की है कि इनका इतना बड़ा दिल है, रामीन ने इतने बड़े बड़े इल्जाम लगाए इन पर, लेकिन ये अभी भी उसी की फिक्र कर रहे हैं। तुम्हारी छोटी बहन है यार, कैसे फिक्र नहीं करूंगा उसकी। नहीं ये बात नहीं है, मुझे पता है आप उसकी फिक्र क्यों करते हैं। क्यों करते हैं फिक्र? क्योंकि इनकी भी बेटी है, और ये समझते हैं कि अगर ये दूसरों की बेटियों का ख्याल रखेंगे तो इनकी बेटी का भी ख्याल रखा जाए। मनाल मैंने तुमसे कितनी बार कहा है नायला को बीच में मत लाया करो यार। अच्छा ठीक है, मैं तो आपकी तारीफ में कह रही थी। मुझे नहीं सुननी अपनी तारीफ। अच्छा मूड तो ऑफ ना करें। अच्छा सॉरी नहीं कहूंगी आइंदा। स्माइल। इतनी सड़ी भी शक्ल बनाई, आज तस्वीर लो इनकी। रामीन मेरा बेटा मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे बेटा। याद है ना आपको इसी कमरे में लाया था वो मुझे। रामीन मेरा आशर याद है ना आपको? अरे बेटा इन सबको बुरा ख्वाब समझ के भूल क्यों नहीं जाती तू? खबर हकीकत में बहुत फर्क होता है, मैं ये फर्क अच्छी तरह से जानती हूँ। ख्वाब नहीं था, आज भी उसके हाथ अपने ऊपर महसूस कर सकती हूँ। आपको मेरे हाथों पर उसके निशान नजर नहीं आते? रामीन तुम तो ठीक थी बेटा, क्या हो गया, क्या हो गया तुम्हें? ठीक थी क्योंकि आप पे भरोसा था, आपने मुझसे वो भरोसा छीन लिया। अम्मी इस पूरी दुनिया में आप ही थी जिन पे आंखें बंद करके भरोसा कर सकती थी, लेकिन आपने तो मुझसे अपने आप को ही छीन लिया। मुझे लगता था आपसे ज्यादा मोहब्बत मुझसे कोई नहीं कर सकता। आप कैसी माँ है बेटा? तुम माँ की मोहब्बत को तब महसूस करोगी जब तुम्हारी अपनी औलाद होगी। मैं अपनी औलाद के साथ कभी भी ऐसा नहीं करूंगी, उनके पीठ के पीछे झूला नहीं खोपूंगी, उनके सामने उनके दुश्मन का साथ नहीं दूंगी। रामीन तुम समझो बेटा, मैं किसी और के साथ ही नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी अम्मी, अब आप देखिए मैं क्या करती हूँ। रामीन अगर तुमने कुछ भी उल्टा सीधा किया ना, मैं तुम्हें वापस पिंडी ले जाऊंगी। ले जाए, जो करना है करें, लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगी। अकल की बात करो, तुम बताओ सच बोलने से किसका फायदा होगा? अब्बा कहते थे कि सच का रास्ता मुश्किल होता है, लेकिन आखिर में जीत सच बोलने वाले की होती है। यहाँ पर कोई मुकाबला नहीं चल रहा है, जो तुम कर रही हो ना उसमें तुम्हारी जीत नहीं है, और जो मैं कर रही हूँ उसी में सबका भला है। जो तुम करोगी ना बेटा उसमें तुम्हारी और तुम्हारी बहन दोनों की हार है। मेरी बात गौर से सुन लो रामीन, तुम चुप रहोगी। मैं चुप नहीं रहूंगी। रामीन मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम पर सख्ती करूं। जो मर्जी आए कीजिए आप। रामीन मैं तुम्हें
अपना और मनाल का घर बर्बाद करने नहीं दूंगी, समझी तुम? तुम वही करोगी जो मैं तुमसे कह रही हूँ, सुन रही हो ना तुम मेरी बात? तुम मेरे हुक्म की नाफरमानी नहीं करोगी, और अगर तुमने ऐसा किया तो सबसे पहले तुम अपने अल्लाह को नाराज करोगी जिससे तुम्हें इंसाफ की उम्मीद है, समझी तुम? आप जाए यहां से, आप प्लीज जाए यहां से। रामीन, क्या नाश्ता बनाया मेरी बेगम ने, और ये भी मेरी सास का कमाल, ये ना सिखाती तो इतना अच्छा खाना पकाना आता उसे। कीमा तो बिल्कुल वैसा बनाया जैसे आप बनाती, चखे तो देखिए कितना मजे का है। मैंने चखा है, बहुत मजे का। अम्मी तारीफ बहुत कंजूसी से करती हैं। सही कह रही हो, मेरी तो बिल्कुल ही नहीं करती। चलिए हमारे लिए भी तारीफ के दो लफ्ज बोल दीजिए। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या कहूं। लो भाई, इनको तो हमारी तारीफ करनी नहीं आ रही, कोई हमसे कहे कि आपकी तारीफ करें तो हम तो जमीन और आसमान के कलावे मिला दें, लोग हैरान रहते। अच्छा फिर करिए मेरी अम्मी की तारीफ। अभी क्या देते हैं? अर्ज किया है आपकी अम्मी की क्या बात है, दूर अंदेशी के ऐसे चौके लगाए कि हम जैसों के छक्के छूट गए। क्या बात है, क्या बात है आपकी शायरी और सास की? आपकी भी है, और आपके हिस्से में जो आई हैं वो तो बिल्कुल इनकी परछाई है, इन्हीं की तरह समझदार है। समझदार ही हैं, बस आजकल थोड़ी ऑफ चल रही है। ये बताओ ये तुम्हें उनसे मिलने भी देती हैं कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं, कल रात से कब्जा जमाए बैठी हैं, पास भी नहीं भटकने देती। ये क्या बात हुई सासू माँ, ये तो बहुत जुल्म कर रही हैं आप, इस बेचारे की शक्ल तो देखें कितना मासूम है। मैंने इसे कब मना किया, ये जब चाहे उससे जाके मिल सकता है। लो भाई ये तो कह रही है उन्होंने, मना ही नहीं क्यों? 100% मना किया है। कर रहे हो तुम लोग, मेरी अम्मी को तंग कर रहे हो, देखो वो जा रही हैं। मैं तो मजाक कर रहा था, मैं आंटी को मना के लाता हूँ। आंटी, आंटी, क्या बात है, बाहर क्यों आ गया? मैं भी जाता हूँ, नंबर मुझे भी बढ़ाने। हाँ हाँ जाओ जाओ, उनके तो 100% हैं, शायद तुम्हें भी 50% मिल ही जाए। मैं बहुत बर्दाश्त कर रही हूँ, मुझसे तमीज से बात करना तुम, अगर तुमने जरा सी भी बदतमीजी की ना तो मैं तुम्हारे कान मरोड़ दूंगी। क्या बात है भाई, आप लोगों की तो बड़ी अंडरस्टैंडिंग है। वो तो है, चलो आओ भाई। मैं भाई वो अगर मैं रामीन से मिलूं आंटी माइंड तो नहीं करेंगी? वो तुम्हारी बीवी है, जब मर्जी चाहे मिलो, मैं देखता हूँ किसकी हिम्मत है मेरे भाई को रोकने की। थैंक यू। कौन है? मैं हूँ और कोई नहीं। क्या अब तक मुझसे नाराज हो? सिर्फ इस बात पे कि मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी। प्लीज आप जाएं यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगा, मुझे मेरे भाई ने बोला है कि मुझे मेरी बीवी से बात करने से कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। चलो बताओ क्या कहना चाहिए। आप अब पूछो, जब मैं कुछ नहीं बता सकती, आपको मुझसे सवाल नहीं करना चाहिए था। मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और मुझसे तुम्हारा ये उदास चेहरा बिल्कुल देखा नहीं जा रहा।
बस मैंने सोच लिया मैं तुम्हारा साथ दूंगा। बोलो। मुझे पता चल गया कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं, कितना मेरा साथ देंगे। मुझे कुछ नहीं कहना आज़िद। तुम मुझे बताओगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? पता चलने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा इंसाफ सिर्फ मेरा अल्लाह करेगा, आप नहीं। मैं तो नहीं करूँ। अब तो मुझे बहुत गिल्टी फील करवा रही हो, प्लीज बताओ। अगर इतना ही जानने का शौक है तो जाके आंटी से पूछ ले, मुझसे नहीं। लेकिन मुझे तुमसे पूछना, क्योंकि मैंने तुम्हारी कभी नहीं सुनी। हजर, आपने मुझसे कहा था कि आपने मुझे हर हाल में रिजेक्ट कर दिया है, कहा था ना? रिजेक्टेड चीज के साथ अपना वक्त क्यों जाया कर रहे हैं? जाए यहां से। इतना गुस्सा? मैं वादा कर रहा हूँ ना, तुम्हारी हर बात मानूंगा, तो फिर क्यों ऐसा कर रही हो? मेरी हर बात मानेंगे? हर बात? इस हाल में भी मेरा साथ देंगे? मैं वादा करता हूँ हर हाल में तुम्हारा साथ दूंगा। बता। बिग बाय। ये आज़र कहाँ है? रामीन के पास। किस बेवकूफ ने भेजा उसे वहां? मैंने? क्यों, कोई एतराज है आपको? हाँ, क्योंकि अगर उसने अपनी बेवकूफी में कुछ ऑल फॉल बक दिया तो सबसे ज्यादा एतराज तुमको होगा और किसी को नहीं। अम्मी, पता नहीं अम्मी को क्या हो गया। सॉरी, इतनी रूडली बात करके गई तुमसे। परेशान है अपनी बेटी के लिए। छोड़ो, नाश्ता करो। अफसोस, काश ये बात आप मुझसे उस वक्त कहते। अब तो मुझे यकीन आ गया कि जो अम्मी कह रही हैं सब सही है। मैं ज़हनी मरीज़ा हूँ, ख्वाब और हकीकत में फर्क नहीं पहचानती। मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, मैंने जो कहा झूठ है, एक एक बात झूठ है। आपसे पहले मुझे किसी ने नहीं छुआ और यही सच है। तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? कोई बात परेशान कर रही है तो मुझे बताओ। कोई बात नहीं है सर। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम? ओहो बेटा, तुम यहाँ बैठे हो और मैं वहां तुम्हें ढूंढ रही हूँ। जल्दी चलो, मैंने तुम्हारे लिए हलवा बनाया। जी आंटी, बस 2 मिनट। अरे बेटा, बाद में बात कर लेना, आओ जल्दी आओ। बहुत मजे का बना है और मैं तुम्हें सारी जगह ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कहाँ चले गए। यहां बैठे हो, पूरे घर में तुम्हें ढूंढ रही थी मैं। परेशान हो रामीन की वजह से ना? इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगी। मुझे भी यकीन है। भाभी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो मुझसे कुछ छुपा रही है? अगर देखा जाए तो छुपा ही रही है ना। उसके जहन में जो वहम है उसको तो सच लग रहा है। आज़र, मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैं किस अजाब से गुजरी हूं। बहन है वो मेरी, लेकिन उसने जितना बड़ा इल्जाम लगाया, अगर अम्मी ना बताती तो। इस बात के अलावा वो ज़हनी मरीज़ा क्यों लगती है?
खुदा ना खास्ता वो कोई पागल तो नहीं है। तुम्हें याद नहीं है नुसरत आपी की यहां भी जब तक वो उसका कमरा चेक नहीं करती थी या अंदर नहीं जाती थी। अब नुमैर एक दो साइकाट्रिस्ट के नंबर देंगे ना। थैंक यू सो मच भाभी, अगर आप लोग नहीं होते पता नहीं मैं क्या करता। कैसी बातें कर रहे हो, अव्वल तो वो मेरी बहन है, अगर ना भी होती ना तो इस मुश्किल में हम तुम्हें कभी भी अकेला ना छोड़ते। अम्मी तुम्हें उसे मिलने नहीं दे रही, पता नहीं किस बात से डर रही है। शायद रामीन ने उन्हें बता दिया होगा कि मैंने उससे सख्ती से बात की थी तो इसलिए वो उसको प्रोटेक्ट कर रही है उसके अपने शौहर से। अम्मी की ये लॉजिक मुझे समझ में नहीं आई, लेकिन मैं क्या करूं, अम्मी है ना मेरी, मैं कुछ कह भी नहीं सकती। बहरहाल देखो अब मैं भी उसका बहुत ख्याल रखूंगी, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, तुम फिक्र ना करो सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो उठो अब तुम भी सो, सुबह साइट पे भी जाना है। चल। एक स्लाइस और खा लो। नहीं बस। क्या हालत बना ली है इसने, आपको मुझे बताना चाहिए था ना, ये कोई छुपाने वाली बात तो नहीं थी। अपनी मैडम ने मुझे दो तीन साइकाइट्रिस्ट के नंबर दिए, मैं सोच रही हूँ सबसे अपॉइंटमेंट्स ले लेती हूँ, फिर हमें जो बेहतर लगेगा उसके साथ कंटिन्यू कर जाएंगे। तुम डॉक्टर के पास जाने से इनकार तो नहीं करोगी ना। अम्मी से पूछ लें, वो चाहती हैं कि मैं डॉक्टर के पास जाऊं। अम्मी क्यों नहीं चाहेंगी? पता नहीं, शायद कोई वजह हो। मनाल तुम ले जाना इसे, ये तो ऐसे ही बोल रही है। आप ही ये तो नफसियाती डॉक्टर्स होंगे, अंदर की बात जानने के लिए मुझे सुलाकर सवाल पूछेंगे, अगर मेरे मुंह से कुछ निकल गया तो ये नाफरमानी तो नहीं होगी। कैसी बातें कर रही हो रामीन, देखो अगर तुमने मेरी कोई बात दिल से लगा ली है तो प्लीज मुझे माफ कर दो, उस वक्त मैं बहुत परेशान थी और मुझे कुछ नहीं पता था। तुम खुद सोचो जिस शख्स पर मैं जी जान से डिपेंड करती हूँ, अगर मुझे पता चले कि वही मुझे धोखा दे रहा है तो मुझे कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा, ऐसा लगेगा कि दुनिया खत्म हो गई, अब जिंदा रहने को कुछ नहीं बचा। मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ आप ही, लेकिन मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। रामीन नहीं अभी प्लीज, मुझे नहीं जाना डॉक्टर के पास। रामीन मेरी बात सुन, एक दफा तुम क्या हुआ, सब ठीक है? हाँ बस ये डॉक्टर के पास जाने से इनकार कर रही है, लेकिन मैं अपॉइंटमेंट ले रही हूँ, तुम्हें जाना होगा रामीन। सही कह रही हैं आप रामीन, मैं साइट पे जा रहा हूँ, आने में देर हो जाएगी, घर पे आंटी और भाभी होंगी, तुम रह लोगी ना? एक मिनट, मुझे दो तीन काम है बाजार के, मैं सारा वक्त यहाँ पे नहीं होंगी, अम्मी होंगी तुम्हारे पास। अब बताओ इसको, रह लोगी ना? अम्मी से कोई जूस वूस पिलवाएं, एनर्जी की जरूरत है। मैं बल्कि शादाब से कहती हूँ, मैं भिजवाती हूँ, ठीक है? साफ कहा है कि रामीन को बहुत अच्छा लड़का मिल गया है। आज हम यहाँ पे नहीं रहने, प्लीज आप मुझे यहाँ से ले जाइए। लेकिन ये तुम्हारी बहन का घर है, मैं सोचा था तुम यहाँ के खुश होगी। नहीं रहती, तुम्हें पता तुम मेरे लिए बहुत लकी साबित हुई, इतने सालों से नुमैर भाई के सामने मैं वेला घूम रहा था, उन्होंने मुझे कभी नहीं पूछा, आज अचानक अपनी कंपनी का पार्टनर बना लिया। मैं इस घर में नहीं रहना चाहती, आप जहाँ कहेंगे जहाँ रखेंगे रह लूंगी, लेकिन प्लीज मुझे यहाँ पे नहीं रहना, मुझे कहीं और ले चले। नहीं,
रामी रामी मुझे देखो वो अच्छा आदमी नहीं है। उन्होंने कई बार मेरी तरफ बढ़ने की कोशिश की। आपको जॉब भी मेरी वजह से दी ताकि मैं यहीं रहूं इस घर में। रामी अच्छा अम्मी खुदा हाफिज आती हूँ फिर थोड़ी देर में। शादाब मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ जरा नायला का ध्यान रख लेना। आती हूँ अभी। अरे तुम आज ऑफिस नहीं गए? जी बस जा ही रहा था एक्चुअली कुछ फाइल्स भूल गया था। अच्छा आज मेरे भाई ऑफिस नहीं गए? नहीं जाएंगे लेकिन थोड़ी देर से मुझे जरा जल्दी है मैं निकलूं। जी कर रहे हो तुम यहां पर निकलो यहां से। आप मुझे मेरे घर से नहीं निकाल सकते। आप जाइए यहां से। मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? आपको लगता है मैं आपकी पागल बेटी के साथ कोई पागलपन कर बैठा? ऐसी कोई बात नहीं। चल आई तमीज से बात करो। मेरे घर में बैठी हो ज्यादा अकड़ मत दिखाना समझे तुम। एक मिनट में दोनों बेटियों के साथ वापस भेज दूंगा मैं। चलो निकलो यहां से। अम्मी आप जाए यहाँ से। क्या बात है आई लव यू सर। सुना नहीं बेटी ने क्या कहा है? चलो निकलो। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी। सही मारोगी तो चल। छोड़ो तो मुझे। अरे बूढ़ी हड्डियों पे जोर मत छोड़ो मुझे। टूट जाएगी। नहीं जाऊंगी मैं। छोड़ दो। दरवाजा खोलो रुमे। दरवाजा खोलो। से मिलने के लिए आया था। वो तो सो गई। सो गई? हाँ बेटा उसकी अभी अभी आंख लगी है। तुम फोन पे बात कर लेना उससे। चले मैं एक नजर उसको देख लूँ। अरे अरे बेटा भी आराम हो जाएगी। अभी मत उठाना उसे। बाद में बात कर लेना। ठीक है जब उठे उसे बोलिएगा मुझे कॉल करना। मैं कह दूंगी बेटा। हाँ सर बेटा मुझे माफ कर देना। नहीं कोई बात नहीं।
में बदनाम हो जाओ। जाहिर मैं अपना नाम तो बदनाम होने नहीं दे सकता ना। फिलहाल मुझे तुमसे यही कहना, तुम ठीक हो जाओ फिर आगे बात करेंगे। पर हाँ आज़र का ख्याल रखा करो, he's a nice man। आज़र का ख्याल रखूं और भूल जाऊं कि आपने मेरे साथ ज्यादती की थी? ज्यादती नहीं थी वो, प्यार किया था मैंने, आज भी करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। जाएगी अभी मत उठाना उसे, बाद में बात कर लेना। आज़र का ख्याल रखो और भूल जाऊं कि आपने मेरे साथ ज़्यादती की थी। आज़र का ख्याल रखो और भूल जाऊं कि आपने मेरे साथ ज़्यादती की थी। नहीं बता सकता, मुझे बस नमेश भाई को छोड़ना है। और उनकी जॉब का क्या होगा? वो भी छोड़ दूंगा। तुम ऐसे बैठे बिठाए इतने चाहने वाले कजन को छोड़ दोगे? भाई उनसे बात करो, उनको बताओ तुम्हें क्या चीज बुरी लगी है, वो माफी मांग लेंगे और बात खत्म हो जाएगी। अच्छा चलो मैं बात करती हूँ। आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि आप मुझे 75 लाख रुपए उधार दे सकती हैं? 75,000 तो कोई बात भी है, 75 लाख मैं कहां से लेके आऊंगी? तुम किसी से पैसे लेते ही क्यों हो जब उसकी दो बातें बर्दाश्त नहीं कर सकते हो? देखो आज़र, देने वाले का हाथ हमेशा ऊपर होता है, उससे वो पैसे देगा तो जब चाहे थप्पड़ भी मारेगा, तुम उसको रोक नहीं सकते हो। मैं इसी वजह से वहां से निकलना चाहता हूँ। और मैं तुमको यही मशवरा दूंगी कि बात खराब मत करो। बात खराब हो चुकी है, उन्होंने ऐसी हरकत करी है कि मैं उन जैसे इंसान की शक्ल फिर नहीं देखना चाहता। जैसा जलील और घटिया इंसान इस दुनिया में और कोई नहीं। तुम्हें क्या हो गया आज़र? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मेरे सामने ऐसी ज़बान इस्तेमाल करोगे। तुम्हारे साथ जो भी हुआ, लेकिन मैं तुमको यही मशवरा दूंगी कि जो भी फैसला करना बहुत सोच समझ कर करना। जज्बात में आके बच्चे रिएक्ट करते हैं और अब तुम बच्चे नहीं रहे हो। मैं फैसला कर चुका हूँ, मैं वापस घर आ रहा हूँ। तुम इस तरह घर वापस नहीं आ सकते। मैं तुम्हें कभी भी ऐसी बेवकूफी नहीं करने दूंगी कि खानदान वालों को गॉसिप का मौका मिले।
आपको गॉसिप की पड़ी हुई है, आपको नजर नहीं आ रहा मैं किस अजाब के अंदर जिंदा हूं? फजूल बातें मत करो, तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र है, लेकिन हर इंसान अपनी इज्जत के लिए डरता है। तुम इस तरह उनका घर छोड़ के आ जाओगे तो लोगों को क्या जवाब दोगे? तुम्हारे साथ जो भी हुआ हो, लेकिन फैमिली में उन दोनों का बहुत अच्छा इंप्रेशन है, कोई उनको कुछ नहीं कहेगा, आखिर में इल्जाम तुम दोनों पर ही आएगा। ऊपर से इतना लंबा चौड़ा कर्ज अलग, उसकी नौकरी छोड़ दी तो ऐसी तनख्वाह फिर नहीं मिलेगी तुमको। अपने आप को कंट्रोल करो और ऑफिस जाओ और नॉर्मल रहो उन दोनों के सामने। अब जाओ, मैं इस तरह नाराज होके आने से मना कर रही हूं। लेटी भी हो, उठो भाई, फटाफट तैयार हो। डॉक्टर की तरफ से कॉल आई है, उनकी एक अपॉइंटमेंट कैंसिल हुई है, फौरन जाना होगा। क्या हुआ, कहां लेकर जा रही हो इसे? डॉक्टर के पास, अपॉइंटमेंट मिल गई है। आप या नायला के साथ रह लीजिएगा, मैं इसे दिखवा लाती हूँ। इसने कहा था ना ये नहीं जाएगी। इसके कहने से क्या होता है, मैं लेकर जा रही हूँ इसे जबरदस्ती। अगर डॉक्टर के पास नहीं जाएगी तो इलाज कैसे होगा? मुझे नहीं कराना इसका इलाज। इलाज नहीं करवाएंगी तो ये ठीक कैसे होगी? डॉक्टर देखेगा तो असल मामला पता चलेगा ना। मैं खुद ही करवा लूंगी इसका इलाज, मुझे नहीं जानना कि असल मामला क्या है। मुझे मालूम करना है। मनाल, अम्मी आप इसरार कर रही हैं इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती कि कोई बीमारी में भी मेरे शौहर के बारे में बुरे ख्याल रखे। वो तो अच्छा हुआ आपने मुझे सच्चाई बता दी, वरना मैं तो खुदकुशी कर लेती। लेकिन मैं इसका इलाज करवाऊंगी, फैसला कर लिया है मैंने। उठो रामीन। मनाल, माँ हूं मैं तुम्हारी, और अब तो रामीन ने भी मना कर दिया कि वो नहीं जाएगी डॉक्टर के पास। तुम्हें क्यों समझ में नहीं आ रहा, क्यों पीछे पड़ी हो तुम इसके? छोड़ दो इसका पीछा। ठीक है, मर्जी आप लोगों की, लेकिन अगर मेरे शौहर के खिलाफ किसी ने कोई बुरी बात की, चाहे वो बीमारी क्यों ना हो, तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। चुप रहती है।